तो गाइस अब जाने ऊपर ऊपर जाने के लिए अलग टिकट लेनी पड़ेगी, 200 रुपए की टिकट मिलेगी ऊपर जाने के लिए यहाँ से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ दिल्ली में, कुछ इंपॉर्टेंट काम से आया था जो कि हो चुका है। फिलहाल अभी का सीन ऐसा है, अभी हमारा प्लान है आगरा जाने का, तो आज हमारी स्टार्ट हो रही है आगरा की ट्रिप। तो आज ताजमहल जाएंगे, यही प्लान है। यहाँ से अराउंड 3-4 घंटे का रास्ता है। तो हमारे साथ में साहिल है और निर्मल भी है। पीयूष तो नहीं आया ना कुनाली, बिकॉज उनके स्कूल है ना, तो हाँ वो तो नहीं आ सकते। तो साहिल है मेरे साथ में, वो दूसरे रूम में, बिकॉज एक रूम में ना 3 जने अलाउड नहीं थे, तो मेरे को अलग से रूम बुक करना पड़ा। तो इस रूम में मैं था रात को, मस्त एडिटिंग वगैरह की मैंने। और बस फिलहाल एक रूम टूर देता हूँ आपको, क्विक रूम टूर कैसा रूम है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बाहर का व्यू है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी बनाने के जो कि मैंने बनाया नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। ये फ्रिज है, बाकी खाने पीने का सामान हमने कल मंगाया था। ये एडिटिंग टेबल है जहाँ पे मैं एडिटिंग करी नहीं, मैं एडिटिंग तो यहीं करता हूँ। ये टीवी है जो कि मैंने चलाया नहीं। और हाँ, सबसे मस्त मेरे को ये लगती है, ये पेंटिंग मस्त लगती है मुझे। तो ये फ़िलहाल कुछ इस तरह का रूम है। और यहाँ पे अलमीरा भी है, इसके अंदर लॉकर है जो कि यूज़ नहीं करा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेस है जो कि यूज़ नहीं की, स्लीपर्स हैं। तो ये वॉशरूम बाथरूम कुछ इस टाइप का, यहाँ बाल्टी तो होगी तो शावर से ही नहाया मैंने। तो हाँ फिलहाल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरह का है, यहाँ पे मिरर दे रखा है भाई। चलो रूम मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं साहिल और निर्मल के पास में। लेट्स गो गाइस। तो गाइस साहिल तो अब उठ रहा है, बाकी निर्मल भैया तो हो गए रेडी। इतने साल रेडी हो रहा है, मैं चाय पीता हूँ भाई। 11 बजे निकल रहे हैं हम आगरा के लिए, पता नहीं कब पहुँचेंगे भाई। हम पहुँचेंगे अराउंड 4 बजे तक, हाँ उसके बाद फिर ताजमहल जाएंगे, फिर देखेंगे जो रहेगा। शायद रेड फोर्ट तो नहीं जा पाएंगे आज। गाइज इन्होंने ना अपना रूम अच्छी तरह से यूज़ किया है, यहाँ देखो चाय वाय कॉफी वॉफी सब कुछ बनाई है, इवन टीवी चलाया था क्या। हाँ मेरी तरह नहीं कि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। ये देखो यहाँ पे कितनी मस्त पेंटिंग है, कुछ भाई भूल मत जाना कोई, देख लो भाई। अरे ये नैपकिन चाहिए, नैपकिन नैपकिन रख लो, नैपकिन काम आएंगे ना। कहाँ ले जा रहे बल्ब बल्ब निकलेंगे नहीं, बल्ब है ही नहीं यहाँ। लग गया वो भाई, इनका तो बाथटब भी था, मेरे रूम में नहीं था बाथटब। ये किसका है, फेस वॉश किसका है? वाह कार्ड ले लिया, कार्ड नहीं, वाह भाई सब कुछ तो भूल रहे हो तुम। चलो गाइस ये पेंटिंग देखो कितनी मस्त लग रही है। तो अभी हम कुछ ऐसे लग रहे हैं, तू तो पीछे से लग रहा है। चेकआउट भी कर दिया है, अब चलते हैं। चलो गाड़ी भी आ गई अपनी, चलो अब चलते हैं सीधा आगरा। 11:11 हो रहे टाइम देखो, 11:11 हो रहे हैं भाई, 4 तो बजे जाएंगे आराम से। तो साहिल पीछे बैठा है अपना मस्त। तो गाइस अब आ चुका है मेन हाईवे आगरा के लिए, यहाँ से है 181 किलोमीटर। तो दिखा रहे हैं 2 घंटे लगेंगे अराउंड, तो हम 3 बजे पहुंचेंगे। देखो क्या मस्त हाईवे है यहाँ पे, हमारी मस्त चल रही है 100 की स्पीड पे। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। लेकिन गाइस एक दिक्कत है, देखो डीजल खत्म होने वाला है इसका, डीजल थोड़ा सा ही बाकी है और यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा पहले। चलो देखते हैं ढूंढते कहीं मिलेगा तो पेट्रोल पंप। लेकिन जो मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने, देखो सारी गाड़ियां भगा के ले जा रहे हैं, मैं तो स्लो ही चला रहा हूँ भाई, क्योंकि पेट्रोल ही फूकता है, माइलेज भी कम आती है। तो गाइस देखते ही देखते बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, बारिश गायब। फाइनली मिल गया पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का है ये भाई। गाड़ी तो धुल गई मस्त, फुल कर देना, डीजल फुल हो चुका है यहाँ पे। गाइस भूख तो लग रही है, सुबह से हम कुछ नहीं खा के आए, सुबह में ऐसे ही आ गए थे और 1:30 बज चुके हैं, तो खाएंगे कहीं पर रुकी कुछ। रोड ट्रिप्स पे इतना मजा आता है ना, और जब ऐसी रोड हो, ऐसे बादल हो, ऐसा व्यू हो, तो और भी मजा आता है। तो अभी रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी, 2 बज चुके हैं अभी तक, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। और ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसे ड्राइव करना ठीक भी नहीं है ना, मम्मी भी बोलती है, तो मम्मी की बात याद आती है मेरे दिमाग में, मम्मी बोलती है कि ऐसे ड्राइव नहीं करना। तो हाँ चलो, तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हमने, चलते हैं कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत। मतलब गाड़ी मस्त लग रही है भाई, और से कुछ भी को क्या खाएगा। तो अभी हमने लिया है सैंडविच, तो सैंडविच खाएंगे और डोसा मंगाया है, और ये अमूल कूल भाई, ये महंगे थे यार, 600 रुपये का ये, 600 रुपये ये ठीक है, ये 160 रुपये का पड़ा, ये ठीक है। तो गाइस मस्त खाना पीना हो गया, वॉशरूम भी जाए, फिर से हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ 70 किलोमीटर रह गया बस, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अरे ये क्या था पता नहीं क्या था, तीसरा टॉल आ गया, फिर से पैसे देने पड़ेंगे अब। मत देखो भाई दुख हो रहा, तो आंख बंद करके गाड़ी चलाओ आग बंद की गाड़ी चलाओ, फिर कहीं और ही पहुंचेंगे। बारिश आ गई। साहिल ने मस्त सीट बेल्ट लगा रखी है, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ये रोज रोज सीट बेल्ट डालता है, जब कहीं भी बैठे।
भाई सबसे जरूरी है अभी। जब से एक्सीडेंट हुआ है ना तब से सीख मिल गई है कि कहीं भी बैठो सीट बेल्ट जरूर डालो। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं ताजमहल। तो ये है ताजमहल का रास्ता यहाँ से इस तरह का। अगर आप आओगे तो देख लो आपको इस तरह से आना पड़ेगा यहाँ से। चलो पार्किंग पहुंच गए, तो लेफ्ट में है पार्किंग यहाँ से। ये देखो एक गाड़ी खड़ी है ना, तो इस तरह से हम भी जाएंगे आगे जाके पार्क करेंगे गाड़ी। भीड़ तो हो रही है यार यहाँ भी। तो गाइस फाइनली गाड़ी पार्क कर दी है। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। हाँ चलो अब हम ई रिक्शा में जाएंगे इसमें। तो गाइस आते ही ई रिक्शा वाले ने स्कैम कर दिया वो, मतलब पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के ले आया और 100 रुपए ले लिए। तो फाइनली पहुंच गए हम, अब यहाँ से जा रहे हैं पैदल। ऑनलाइन हो रहा है ना? हाँ ऑनलाइन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है वो। एक फोटो मैं डेली इनके व्लॉग देखता हूँ डेली, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने इनके व्लॉग नहीं देखे हो। तो गाइस यहाँ पे स्कैन करना है, स्कैन करके होगा। तू भी ट्राई कर, सभी ट्राई करो, तीनों ट्राई करते हैं। सभी ट्राई करो भाई अपने अपने फोन से। अरे फोन तो हटाओ, हम तीनों ही ट्राई कर रहे हैं। एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना, पसीने से भीग गए भाई सारे परेशान। यहाँ पे फाइनली सहेलिया खुल गया। हेलो भैया। हाय। टिकट होगी तुम्हारी? टिकट होगी? नहीं नहीं हो रही यार टिकट। स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। कितने पैसे लगे? तो हमारे लगे 135 रुपीज़। तो भी हम यहाँ पे आंटी जी का भी कर रहे हैं, तो साहिल के फोन में से ही चल रहा है ना। पानी की बोतल ले लेता हूँ मैं, एक पानी की बोतल दो दे दो। कितने की है? 20 की एक है? 10 रुपए की एक है पानी। भाई थैंक यू। फाइनली टिकट वाला काम हो गया है, तो चलो अब चलते हैं सीधा अंदर। तो फाइनली टिकट दिखा के हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ से अब सुंदरता स्टार्ट होती है। यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके पीछे है ताजमहल, तो हमको इसके अंदर से जाना है ऐसे। वो देखो पूरा वो दिख रहा है ना, अभी हम वहीं जाएंगे। तो गाइस फाइनली हमारे सामने द ब्यूटी ताजमहल। भाई कितना सुंदर लग रहा है यार, और बादलों के साथ में तो और ही मस्त। और देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। भाई वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता, रियल में इतना प्यारा लगता है ना। तो चलो अब चलते हैं फिलहाल वहाँ पे। गाइस इतनी गर्मी में यहाँ पे आना वर्थ था, जो देखने को मिलता है इतना सुंदर। इतनी देर हम टिकट के लिए खड़े थे वहाँ पे, तो हाँ मतलब सारा पूरा हो गया, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो आप यहाँ बैठ के फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो, बाकी उधर बैठ सकते हो, उधर उधर खिंचा सकते हैं। भाई क्या लग रहा है, जितनी पास जा रहे हो उतना मस्त लग रहा है। अब काफ़ी पास आ गए हम इसके, अब इतना मस्त लग रहा है ना। तो गाइस बहुत गर्मी लगी, प्यास लग रही है, अब पानी मिल जाए कहीं से बस। भाई पानी दो बोतल मैंने ली थी वो ख़त्म होगी सारी। चलो देखते हैं कहीं पानी मिलता है। बहुत प्यास लग रही है। वहाँ है लेफ्ट में शायद। है पानी कैसे पियेंगे? बॉटल ही नहीं है। मुंह से हाथ से? अच्छा ऐसे ऐसे। हाँ जैसे भाई पानी के लिए बहुत भीड़ लगी यहाँ। तो यहाँ पे खड़े जाते हैं सब्सक्राइबर, खुद चल के आएंगे पानी देने के लिए। सब्सक्राइबर? अरे वाह, चलो सब्सक्राइबर नहीं दिया पानी। तो ये पानी पी के आ चुके हैं ऊपर, तो ऊपर से कुछ ऐसा लगता है देखो भाई, हर जगह से अलग लगता है हर जगह से। और यहाँ भी काफ़ी पब्लिक है। तो गाइस अब जाने ऊपर, ऊपर जाने के लिए अलग टिकट लेनी पड़ेगी, 200 रुपए की टिकट मिलेगी ऊपर जाने के लिए यहाँ से। तो 3 टिकट हमने ले लिया। मेरे को अपने व्लॉग में इंक्लूड कर दो। हाँ कर दिया। क्या नाम है आपका? माहिका फ्रॉम दुबई, शी वॉच योर शोज। ओह नाइस टू मीट यू। सो आई टोल्ड यू कि शी यू मेक अप फ्रॉम दुबई। यस ओके नाइस टू मीट यू। बाय बाय। भाई दुबई से भी देख रहे हैं हमारे व्लॉग। चलो भाई टिकट लेके चलते हैं ऊपर, बैठ के देखो। ए जलेगी, जल गई। हाँ यार थोड़ी देर में जल रही है। तो कुछ इस तरह से पैर में डालने पड़ते हैं, तभी हमको जाना है यहाँ से ऊपर। पहुँच गए हम, चाहें तो इसके अंदर भी जा सकते हैं, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो यहीं पे घूमेंगे। तो यहाँ पूरा मार्बल है और इतना गर्म हो रखा है ना धूप से। ये वाला एंगल देखो। तो ये है इसके पीछे यमुना नदी। यहाँ तो यार आज तो पानी साफ लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मस्त फोटोज रील्स ले लिए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, 16 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए इंस्टाग्राम पे, सिर्फ 3 ही मिलियन। इंस्टाग्राम पे करो यार 10 मिलियन कुछ, तो फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे। मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ, तो फॉलो करो आज इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक। गाइस वैसे देखा जाए तो भीड़ बहुत कम है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। नीचे थोड़ी बहुत है लेकिन इतना मस्त है, इतना सुंदर है, तो भीड़ होना तो बनता ही है ना। भाई शाम के टाइम पे तो और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं देखो, क्योंकि अब धूप कम हो गई ना। देखो अब मैं हूँ फैमिली को लेके, बिकॉज मम्मी पापा ने भी देखा, तो मम्मी पापा को भी दिखाना है ताजमहल। चलो भाई चलते हैं अब इसमें वापिस। चलो पार्किंग में पहुंच गए। मार्बल का बॉक्स है, बहुत प्यारा है। अरे थैंक यू अच्छा लग रहा है। मम्मी को सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए अच्छी चीज है मार्बल की। थैंक यू नहीं बस थैंक यू नहीं देखो पहले देखो देख लिया हमने देखा है हम
हम देख लेके देखो नहीं हमारे पास है देखो ना चीप प्राइस में देते हैं। तो अभी हमारा प्लान है वापस दिल्ली जाने का, तो दिल्ली चलते हैं वहीं पे ले लेंगे होटल। और कल हमारा कहीं और जाने का प्लान है, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कहाँ जा रहे हैं हम, मैं बता नहीं रहा कहाँ जा रहे हैं। बाय बाय। तो अभी गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम निकल पड़े हैं आगरा से दिल्ली के लिए। तो गाइस अभी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, हम ना सुबह सुबह निकल गए थे चेकआउट करके होटल से दिल्ली से आगरा, ठीक है। और अभी मेरे को याद आया मेरे हाथ में तो घड़ी नहीं है, एप्पल वॉच ही नहीं है, तो एकदम से देखा तो फिर मैंने कहा यार वो तो होटल पे ही रहेगी क्योंकि मैंने वहीं उतारी थी और रखी थी वहाँ पे टेबल पे। तो हाँ तो वहाँ पे होटल पे कॉल करा हमने बोला तो वो तो उन्होंने बोला कि चेक करते हैं, अभी हमने होटल पे कॉल करा था तो वो लिटरली कह रहे हैं कि वहीं पड़ी है। भाई हम पूरा दिन होटल से बाहर थे, सुबह सुबह हमने चेकआउट कर दिया, हम ताजमहल घूम रहे हैं और अब जाके आ जा रहे हैं और मिल भी गई। देख लो गाइस होटल वाले काफी सही थे। अब फिलहाल हम जा रहे हैं सीधा होटल, पहले एप्पल वॉच लेंगे। फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, चलो लेते हैं अब इनसे अपनी एप्पल वॉच और फिर चलते हैं किसी और होटल में। तो अभी फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपनी एप्पल वॉच का, प्यारी एप्पल वॉच का जल्दी से आ जाए, फिर मैं उसको अपने हाथों में डालूंगा प्यारे प्यारे हाथों में और फिर चलेंगे। बहुत बहुत भूख भी लग रही है यार, हमने एक ही टाइम खाना खाया था आज, रात के 10 बज गए। ओके थैंक यू। तो फाइनली गाइस मेरी एप्पल वॉच मिल चुकी है, मुझे लग नहीं रहा था कि मिल जाएगी लेकिन फाइनली मिल गई भाई। चलो चलो अब चलते हैं, अब दूसरा होटल चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे यार फिर दूसरे होटल चलेंगे। भाई आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार वॉच के साथ में, बहुत मिस कर रहा था मैं इसको। देखो ये फायदा होता है किसी लग्जरी अच्छे 5-स्टार होटल का और एक नॉर्मल होटल का, क्या पता नॉर्मल होटल में ना मिलती क्योंकि नॉर्मल होटल में उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इतना सब कुछ नहीं होता, लेकिन 5-स्टार होटल में देखो मतलब हमने एक बार फोन करा और पूरा दिन निकल गया था, वहाँ बंदे रहने भी लग गए होंगे, हमारे जाते ही सफाई शुरू हो गई क्योंकि रूम की और उन्होंने पहले ही रख ली थी वो। भाई देख लो मिल गई ना, ये होता है फायदा 5-स्टार होटल का। इसी खुशी में पार्टी करने चलते हैं पार्टी। तो अभी गाइस रुके हैं एक ढाबे पे, तो यहीं पे खाते हैं सब बैठे हैं, तो यहाँ पे मस्त दाल रोटी खाएंगे और फिर चलेंगे होटल, होटल ढूंढेंगे फिर। भाई दिल्ली का जो खाना है ना भाई नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट, लेकिन हेल्दी नहीं है घर जैसा लेकिन फिर भी। तो अभी गाइस रात के 12 बज चुके हैं, खाना पीना हमने खा लिया है, तो एक दिक्कत होती है हमको ना होटल नहीं मिल रहा था कहीं पे, लेकिन उसका भी सोल्यूशन हो चुका है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पारस भैया घर पे, उनका घर है ना यहाँ पे, तो हाँ मैंने उनको कॉल कर लिया था, तो कह रहे थे हमारे घर पे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो वहीं चलते हैं, वो घर खाली पड़ा रहता है उनका। तो फाइनली पारस भैया घर पहुंच गए, प्रैंक करते हैं बाहर से आवाज लगाना, बिग फैन पारस भैया, बिग फैन पारस भैया, बिग फैन पारस भैया, बिग फैन पारस भैया, पारस भैया आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, पारस भैया पारस भैया। वे बाहर से बंद है, खुला हुआ यार ये तो, और खुला बिग फैन, बिग फैन। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई, ये क्या हुआ, हम उनके साथ में प्रैंक कर रहे थे, वो है ही नहीं घर में, फ्रिज में थोड़ा ना बैठे होंगे भाई, लैप पोपट हो गया, हमारा ही पोपट हो गया। तो आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे। तो अभी गाइस पारस भी आ गए, हम प्रैंक करने वाले थे आप पे, आप मिले ही नहीं, हम तगड़ा प्रैंक करने वाले थे, हम बिग फैन कर रहे हैं, हम आवाजें निकाल रहे हैं, आप थे नहीं अंदर। गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब जाके काम कम्प्लीट हुआ है, अब मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई है, भाई पूरी रात ही निकल गए, सुबह 4 बजे निकलने का प्लान था हमारा, अभी तक हम सोए भी नहीं है, वो भी नहीं सोया आई थिंक, मैं तो काम कर रहा था भाई अभी तक। क्या कर रहे हो, एडिट सब एडिट भाई, पता नहीं कब निकलेंगे, बिकॉज सोना भी है, अभी थोड़ी देर सोएंगे हम, तो हम शायद अब तो लेट निकलेंगे, 9-10 बजे तक निकलेंगे, जहाँ भी निकलेंगे। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, भाई आज का दिन जो हैक्टिक था ना, बिकॉज हम आज मैंने अराउंड 8 घंटे ड्राइव भी किया, मैंने ताजमहल में घूमे भी इतना, फिर दोबारा भी होटल आए वॉच के लिए, फिर यहाँ आए, फिर अब एडिटिंग की, भाई बहुत हैक्टिक था लेकिन मज़ा आया। तो हाँ तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आप भी आगरा जाओगे दिल्ली से तो यहाँ